असलामुअलैकुम फ्रेंड्स, www.tutorialzone.com की जानिब से मैं हूँ हारून अशरफ। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक फेसबुक एल्बम को विद अ सिंगल क्लिक कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि हम एक फेसबुक एल्बम जब फेसबुक पे खोलते हैं तो हमें बारी बारी सब फोटोज़ डाउनलोड ना करना पड़े, हम डायरेक्टली एक क्लिक करके उस पूरी एल्बम को डाउनलोड कर लें। तो इसके लिए ट्यूटोरियल बहुत ही आसान है। एक एक्सटेंशन है, वो आपको ब्राउज़र के लिए इंस्टॉल करना पड़ेगी, डाउनलोड एवी एल्बम मोड। ये हर ब्राउज़र के लिए अवेलेबल है, आपने सिर्फ एक्सटेंशन में जाना है और गेट मोर एक्सटेंशन क्लिक करना है और ये एक्सटेंशन आपने डाउनलोड करनी है। इसका लिंक वैसे मैं ऊपर इस पोस्ट के ऊपर दे दूंगा, वहाँ से आपने क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है इसे डायरेक्टली। इंस्टॉल करने के बाद इसको अनेबल कर देना, बल्कि अनेबल ये मैं ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो फिर इस ये एक्सटेंशन बाकी एक्सटेंशन के साथ इधर नज़र नहीं आएगी आपको। ये जब फेसबुक खोलेंगे तो आपको ये यूआरएल बार जो है यहाँ नज़र आएगी, ये फेसबुक का आइकन बना हुआ है। जब आप इसे इंस्टॉल कर लें फिर आप एल्बम में चले जाएं, तो चाहे आपकी प्रोफाइल की एल्बम हो या किसी और की प्रोफाइल की एल्बम हो। मैं एल्बम में आ जाता हूँ भी। तो इसमें से कोई भी एल्बम चूज़ कर लेता हूँ मैं, जैसे टाइमलाइन फोटोज़। अब इन टाइमलाइन फोटोज़ में आने के बाद कोई भी एल्बम हो उसको आप ओपन कर लें और फिर यहाँ यूआरएल बार पे एक ये आइकन बना हुआ है, इसको क्लिक करें एक दफ़ा और फिर कर्सर नीचे कर लें। अब ये ऑप्शन देगा एल्बम डाउनलोड करने का। मेरे ख्याल से सही नहीं हुआ है तो इसे हम हो गया। तो आप जब इसको क्लिक कर लेंगे तो ये ऑप्शंस बहुत सारे देगा, आपने सिर्फ नॉर्मल पे क्लिक करना है और ये दूसरे टैब में एल्बम सारी ओपन हो जाएगी, जितनी भी फोटोज़ होंगी उस एल्बम में। अब ये बहुत सारी फोटोज़ हैं, ये लोड हो चुकी हैं। तो आपने अब करना क्या है कि सिंपली CTRL और S की जो कीबोर्ड की है वो उसने आप आपने उसको यूज़ करना है। तो जब आप ये दोनों की प्रेस करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा, .html फाइल होगी ये तो, लेकिन इसका अलग-अलग फोल्डर भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा जिससे आप इस एल्बम की फ़ोटोज़ जो हैं वो व्यू कर सकें। आप किसी भी ड्राइव में इसको सेव कर लें, मैं लोकल डिस्क सी में कर लेता हूँ अभी, और इसको फिर आप सेव पे क्लिक कर दें तो यहाँ से ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी ये डाउनलोड हो रही है, 11/27 हो गई है। तो ये हो गई है एल्बम। तो अब हमने इसको सी में सेव किया था, अब सी में जाएंगे तो ये एक टाइमलाइन फोटोज़ के नाम से एक HTML फाइल भी है और एक फोल्डर भी ऑटोमेटिकली आप उसका ड्राइव में बन जाएगा, उसको आपने ओपन करना है। तो आप देखेंगे जितनी भी पिक्चर्स होंगी उस एल्बम में वो डाउनलोड हो चुकी होंगी, ये देखें। तो ये था हमारा छोटा सा ट्यूटोरियल कि हम फेसबुक एल्बम को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं विद अ सिंगल क्लिक। इसी तरह आपने किसी और की प्रोफाइल में जाके एल्बम में जाना है और जो एल्बम आपने डाउनलोड करनी है उसको ओपन करना है, फिर यहाँ पे क्लिक करके नॉर्मल पे क्लिक कर देना है। तो हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/tutorialshunt, उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। और एक ग्रुप है asktutorialshunt.com, उसको भी ज़रूर व्यू कीजिएगा और उसमें एड रिक्वेस्ट सेंड कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको छोटा सा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मज़ीद ट्यूटोरियल्स के लिए हमारी वेबसाइट tutorialzone.com विज़िट करते रहें और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें। इस ट्यूटोरियल को शेयर करना मत भूलिएगा और इसको नेगेटिव वे में नहीं यूज़ करना। अल्लाह हाफिज़।